ज्यादा झाग वाला मतलब फेस वॉश, मतलब उसका पीएच बैलेंस सही नहीं है, तो मैं जो यूज करती हूँ वो है ये वाला। तो इसमें पीएच बैलेंस बहुत अच्छी तरह से है, तो इसमें ज्यादा झाग नहीं बन सकती। तो ऐसा है कि अगर आंखें बंद हो जाएगी तो शायद मैं वीडियो कर नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो क्योंकि मैं खुद वीडियो करती हूँ, मेरे मतलब घर में मेंबर्स कुछ बिजी रहते हैं, बेटा पढ़ाई करते, और कोई है नहीं, सब एजेड हैं। जो है मेरा इन लॉज, सब मतलब थोड़ा एजेड हैं, इसके लिए मुझे खुद को करना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा झाग तो बन नहीं रही है, थोड़ा बहुत रबिंग करना पड़ता है। मैं थोड़ा और वाटर ले लेती हूँ ताकि झाग ज़्यादा बन जाए। ओके, तो थोड़ा सा हल्का सा ऐसा मसाज करने से ये जो पोर्स है ये क्लीन हो जाता है, और साथ में आपको ये कान और ये इसका भी थोड़ी बहुत सफाई कर लेनी चाहिए, राइट, हल्के हाथों से। हम एक डियर फ्रेंड्स कह रहे थे कि बहुत झाग, तो मेरे फेस वॉश जो है इससे ज़्यादा झाग तो इसमें बनेगी नहीं। अगर मैं क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लेती हूँ साथ में, इससे भी बनने वाली नहीं है, क्योंकि इसका क्वालिटी कुछ अलग है। हाँ, क्योंकि फेस वॉश जो भी होता है उसमें पीएच बैलेंस सही होना पड़ता है, क्योंकि हर स्किन का पीएच बैलेंस अलग होता है। और ड्राइनेस, अगर पीएच बैलेंस सही नहीं हुआ तो ड्राइनेस ज़्यादा हो जाएगी, तो सही नहीं रहेगा। मैं एक और यूज करती हूँ, अगर इसमें थोड़ी बहुत झाग शायद ही बन जाए। देखिए, नॉर्मली मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ, तो सफाई में मैं ध्यान देती हूँ, लेकिन मैं कलर कॉस्मेटिक ज़्यादा नहीं लगाती, क्योंकि आप मुझे वेरी क्लोज से देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई मेकअप नहीं है, बिकॉज मेकअप कलर कॉस्मेटिक इज़ वेरी हार्मफुल फॉर स्किन, स्पेशली लेडीज, क्योंकि उनके स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इससे ज्यादा झाग नहीं बनने वाली, इससे ज्यादा नहीं, राइट। ओके, चलिए अभी वॉश करते हैं और दिखाते हैं। अभी मैं वॉश करूंगी धीरे धीरे से, और देखिए तो चेहरा हो गया साफ, फिर क्या करें पता नहीं, कंप्लीट पानी गिर रहे हैं।